नवीन नगर की घटना को लेकर पवन सिंह काफी ज्यादा गुस्से में हैं और ऐसे में जो है दोस्तों उनका गुस्सा साफ साफ नजर भी आ रहा है। और आखिर गुस्सा वो हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी माँ ने किसी बेटी को खोया है और जिस तरह से वो उनकी बेटी थी उसी तरह से वो हमारी भी बेटी है, ये बात जो है दोस्तों पवन सिंह कहते हुए नजर आए। और ऐसे में जो है दोस्तों काफी ज्यादा भड़कते हुए भी नजर आए, जिस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर मीडिया इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में साथ ही साथ पवन सिंह ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द वो उनके परिवार वालों से मिलेंगे। और भले ही कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर जो है दोस्तों कोई कमेंट करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उस परिवार को। और जिस तरह से इलेक्शन के दौरान यहाँ पर पवन सिंह ने कहा था कि भले ही मैं कराकट से हार जाऊं, लेकिन फिर भी मैं कराकट की जनता का बेटा रहूंगा और कराकट की जनता के साथ कोई भी नाइंसाफी होगी तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इस बात को जो है दोस्तों असली लिया है यहाँ पर पवन सिंह ने और फिलहाल जो है दोस्तों इसी पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह। और श्रेया कुमारी मर्डर मिस्ट्री पर जो है दोस्तों यहाँ पर पवन सिंह बहुत ही बड़ा सवाल उठाते हुए इस तरह से नजर आए। और आप लोगों ने जिस तरह से जो है दोस्तों प्यार दिखाया, जिस तरह से जस्टिस फॉर श्रेया लिखा है, उससे जो है दोस्तों काफी ज्यादा मदद मिली है और आपने सोशल मीडिया के पावर का सही जगह इस्तेमाल किया है, इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि भले आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कहीं भी अन्याय हो या गलत हो तो जस्टिस जरूर मांगें। और साथ ही साथ पवन सिंह के रिएक्शन को देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज ये भी राय हमें अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। धन्यवाद।